नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल द रियल गुरु में। तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता तो देश और दुनिया के अधिकतर लोग निहारने आते हैं, लेकिन क्या आप इससे जुड़ा इतिहास और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं? दिल्ली में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनमें से एक है दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर, जहां आप दिल्ली मेट्रो के जरिए आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की ब्लू लाइन मेट्रो से आप सैर कर रहे हैं तो भी आप इस मंदिर को देख सकते हैं। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ खास तथ्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अक्षरधाम नाम के अर्थ की। अक्षरधाम का अर्थ है ईश्वर का दिव्य निवास। ये भक्ति, पवित्रता और शांति के स्थान रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भक्ति सीखने और सद्भाव के लिए समर्पित है। इसे काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है। यहाँ आप भारत की पौराणिक सभ्यता को गूंजते देखेंगे। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण 1781 से 1830 ईस्वी तक हिंदू धर्म के अवतार, देवता और महान संतों के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है। अब बात करते हैं अक्षरधाम मंदिर के इतिहास के बारे में। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में भगवान स्वामी नारायण की आध्यात्म परंपरा के पांचवें उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी महाराज का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 में हुआ था, जिसे 8 नवंबर 2005 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब बात करते हैं अक्षरधाम की मूर्तियों के बारे में। अक्षरधाम में हर एक चीज़ आध्यात्म से जुड़ी है, चाहे फिर वो मंदिर हो या एग्जीबिशन हो या गार्डन। अक्षरधाम में लगभग 200 मूर्तियां हैं जो सहस्त्र शताब्दियों से आध्यात्मिकता का परिचय दे रही हैं। अक्षरधाम का आध्यात्मिक आधार यह है कि प्रत्येक आत्मा एक दिव्य ज्योति है, चाहे परिवार वाले हों, पड़ोसी देश हो या फिर दुनिया भर के जीव ही क्यों ना हो। जहाँ हर एक सेवा देवत्व की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह 9:30 पर प्रथम प्रवेश प्रारंभ होता है तथा शाम को 6:30 पर अंतिम प्रवेश होता है। अगर आपको प्रदर्शनी देखनी है तो उसकी टिकट आपको 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकती है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं है, अर्थात कोई शुल्क नहीं देना है तथा प्रदर्शनी देखने में आपको 170 रुपये की टिकट लगेगी। आप सोमवार वाले दिन यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते हैं। इस मंदिर में सोमवार को अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया है। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है तथा मोबाइल या और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी
पसंद आई होगी। धन्यवाद।